Very good evening, everyone. My name is Shubham Singhania, and I'm your mentor for UGC INNEC Paper 1, Paper 2, Commerce and Management. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी एंड आप रेगुलरली हमारे लाइव सेशंस अटेंड कर रहे होंगे जहां पे मैं पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के टॉपिक्स का रिवीजन करा रहा हूं. अगर आप नहीं अटेंड कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल पे विजिट करिए एंड उन लाइव सेशंस को जरूर देखें. इसी बीच एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बेसिस पे मुझे लगातार स्टूडेंट्स की क्वेरी आती रहती है, चाहे वो पास्ट स्टूडेंट्स हों, चाहे वो करंट स्टूडेंट्स हों, या वो स्टूडेंट्स हों जो फ्यूचर में नेट की तैयारी कर रहे हैं. एंड क्वेश्चन ये है, हाउ टू चूज अ सब्जेक्ट फॉर यूजीसी नेट. जी हाँ, यूजीसी नेट का सब्जेक्ट कैसे चूज करें, व्हाट शुड बी द राइट सब्जेक्ट जिसमें कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपके बाद में कोई अपॉर्चुनिटीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, वेदर यू वॉन्ट टू गो फॉर टीचिंग और वेदर यू वॉन्ट टू गेट इन टू रिसर्च. तो इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा मैं इस वीडियो में एंड इस टॉपिक के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे. तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए कि जो प्रोस्पेक्टस इशू होता है यूजीसी या फिर एनटीए की तरफ से एग्जाम टाइम पे, उस पर क्लियरली लिखा हुआ है दैट द सब्जेक्ट टू बी चोजन फॉर यूजीसी नेट हैज टू बी योर पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट. जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का डिसिप्लिन है उसी से रिलेटेड आपको सब्जेक्ट चूज करना है, जिसकी लिस्ट जो है वो यूजीसी की वेबसाइट पे प्रॉपरली आपको प्रोवाइड की जा चुकी है. That is the first thing. The second thing is कि कुछ स्टूडेंट ने यूजीसी को क्लैरिफिकेशन के लिए मेल लिखा जहां पे यूजीसी ने बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया मेल में रिप्लाई करके दैट द सब्जेक्ट चोजन हैज टू बी योर पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट. अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट अवेलेबल है लिस्ट में तो आपको उसी में से सब्जेक्ट चूज करना है. इसका जो स्क्रीनशॉट है ये भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, प्लीज उसे देख लीजिएगा एंड प्लीज गो थ्रू इट प्रॉपरली. नाउ लेट अस लॉजिकली अंडरस्टैंड कि क्या मतलब है पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से, या फिर व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड हैविंग दिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. सो एक बार कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का एग्जांपल लेते हैं बिकॉज दीज आर द मेजर स्टूडेंट जिनकी क्वेरी आई है. अब कई बार कॉमर्स स्टूडेंट्स को या फिर मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को लगता है कि क्योंकि हमारे 60-70% ऑफ द सब्जेक्ट कॉमन है तो हम कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट किसी में भी एग्जाम दे सकते हैं. एंड इसी माइंडसेट की वजह से लास्ट अटेम्प्ट में जो जून 2020 वाला एग्जाम हुआ था उसमें काफी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी बिकॉज उन्होंने एग्जाम तो दे दिया था, उन्होंने फॉर्म तो फिल कर दिया था, उनका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया था, बट बाद में उनके नेट सर्टिफिकेट एज वेल एज जेआरएफ सर्टिफिकेट नहीं इशू किए गए थे एनटीए द्वारा. एंड जब इन लोगों ने मेल किया नेट को, एनटीए को मेल करके पूछा दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द इशू, तो वहां पे रिवर्ट आया कि क्योंकि उनका पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट मैच नहीं करता है उनके नेट के सब्जेक्ट से, देयरफॉर द सर्टिफिकेट्स हैव बीन विथहेल्ड. इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं. द टॉपिक वॉज व्हाई इज एनटीए नॉट रिलीजिंग द नेट सर्टिफिकेट, तो प्लीज उस वीडियो को भी जरूर देखें. तो आइडिया ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में ही नेट अपियर कर सकते हैं. अब इसके पीछे का लॉजिक या फिर रैशनल समझने की कोशिश करते हैं एक और एग्जांपल से. लेट अस से कि आपने एमकॉम किया हुआ है एंड आपने एमबीए के अंदर नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया. अब जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट के लिए जाएंगे, कहीं पे वैकेंसी आने के बाद अप्लाई करेंगे, तो आप सबको पता होगा कि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं सो द ओनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज कि आपके पास मास्टर्स और आपका नेट जेआरएफ क्लियर होना चाहिए. दैट इज द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग टू कॉलेजेस. माइंड यू आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सिटीज है, मैं सिर्फ कॉलेजेस के बारे में अभी यहां पे बात कर रहा हूं. नाउ लेट अस से कि आप मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं तो आपको यह भी पता होगा कि जब तक आपकी पीएचडी नहीं हो जाती, जब तक आपको कुछ साल का एक्सपीरियंस नहीं हो जाता है, आपको सब्जेक्ट चॉइस करने की ऑप्शन नहीं दी जाती या फिर चॉइस नहीं प्रोवाइड किया जाता है. जो भी आपको मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अलॉट करेगा या जो भी आपका डिपार्टमेंट होगा वो अलॉट करेगा, वो सब्जेक्ट आपको पढ़ाना होगा टू द स्टूडेंट्स. नाउ अंडरस्टैंड इट लाइक दिस कि आपने मैनेजमेंट में जरूर एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, नेट क्वालिफाई कर लिया है, बींग एन एमकॉम स्टूडेंट, बींग अ कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट, बट आपने कुछ सब्जेक्ट्स मैनेजमेंट के नहीं पढ़े हैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे. दैट इज लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च. तो ये ऑपरेशनल रिसर्च का जो सब्जेक्ट है वो एमबीए वालों को पढ़ाया जाता है, ये सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ रखा. नाउ कंसीडर द सिचुएशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटीज पॉइंट ऑफ व्यू कि कोई भी यूनिवर्सिटी आपको क्यों सिलेक्ट करना चाहेगी ओवर अ कैंडिडेट जिसकी मास्टर्स भी एमबीए में है एंड उसने नेट जेआरएफ भी एमबीए में या फिर मैनेजमेंट सब्जेक्ट में ही निकाला है, बिकॉज उस कैंडिडेट को नॉलेज, स्किल्स, सब कुछ आपसे ज्यादा होगी एंड मोर और लेस जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बेटर फुलफिल करता है एज कंपेयर टू अ कॉमर्स स्टूडेंट. अब कुछ स्टूडेंट्स का ये आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि सर हो सकता है हमने ऑपरेशनल रिसर्च पढ़ा हो,
हो सकता है कि आपने ऑपरेशनल रिसर्च पढ़ा, हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो, बट आपको उस एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज होना थोड़ा मुश्किल है जो एक मास्टर्स लेवल कैंडिडेट को होगी। एंड जब आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है तो अननेसेसरी कोई भी कोई दूसरे सब्जेक्ट को जाके क्यों पढ़ेगा। सो दीज आर सम ऑफ द रीजन जिसकी वजह से ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि अब आप सिर्फ अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में ही यूजीसी नेट दे सकते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन क्या आएगा कि सर आपने भी तो कॉमर्स में, मैनेजमेंट में एंड एचआर में नेट क्वालिफाई किया हुआ है, एंड आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनसे जब आप राय मांगते हैं अगर उनको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है तो वो आपको मिसगाइड कर देते हैं। तो मैं यहां पे आपको क्लेरिफाई कर दूं कि जून 2020 से पहले अगर हम एग्जाम दे देते थे तो एटलीस्ट हमारा नेट एंड जीआरएफ सर्टिफिकेट रिलीज हो जाता था। आई हैव माई ओन नेट एंड जीआरएफ सर्टिफिकेट बोथ इन कॉमर्स मैनेजमेंट एज वेल एज इन एचआर। तो सारे के सारे सर्टिफिकेट्स मुझे एनटीए ने या फिर यूजीसी ने इश्यू कर दिए थे, बट जैसे कि मैंने आपको बताया जून 2020 के बाद से उन्होंने सर्टिफिकेट्स विदहेल्ड करने शुरू कर दिए। इसका मतलब है कि अगर आप एग्जाम दे भी देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट इश्यू नहीं होगा एंड उसके बेसिस पे आप कहीं भी एडमिशन नहीं ले पाएंगे, चाहे आप अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करें या फिर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करें। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता था। आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। So that was all for today. Thank you and have a nice day. Take very good care of yourself and keep preparing. Bye-bye.